तो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय अनदर ब्लॉग। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग सऊदी रहते हैं, हाउस ड्राइवर का काम करते हैं। हाउस ड्राइवर का बहुत सारा हमने इंटरव्यू डाला हुआ है अपने चैनल पर। और इंडिया के बहुत सारे लोग जो है, नए का और पुराने का जो भी है, सब हमारे चैनल पर है, डाला हुआ है। लेकिन कंपनी में जो काम करते हैं, कंपनी में जो वीजा पर आते हैं, उनका अभी तक हमने कोई इंटरव्यू नहीं लिया। हो सकता लिए भी हो एक दो का, तो आप जाके देख सकते हैं। एक हमारे भाई अभी नए आए हैं, और वो कैसे आए हैं, कितनी सैलरी उनकी है, यहाँ रहने का, रूम का, और सब कुछ कौन देता है, कैसे क्या है, कैसे रहते हैं, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और कैसे आए, किस माध्यम से आए, वीजा कहाँ से मिला, अच्छा है कि नहीं है, क्या है, जो भी है, जैसे भी है, हम इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है नमन, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल नमन जलालपुर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये भाई साहब हमारे हैं। तो हेलो भाई, जी सलाम अलैकुम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन, कहाँ से हैं आप? मुरादाबाद, यूपी, उत्तर प्रदेश। मुरादाबाद से हैं ये भाई। जी अच्छा, आप सऊदी आए, कितने दिन हुआ आपको सऊदी आए? लगभग 2 मंथ हो गए। 2 मंथ। पहली बार सऊदी आए हाँ, हैं? पहली बार। तो ये भाई हैं पहली बार सऊदी आए हैं। तो आप सऊदी आए हैं, आपकी सैलरी कितनी है? अभी तो 1200 है। 1200 का मतलब हाँ, 1400 रुपये 1400। हाँ सैलरी है। कितने घंटे की ड्यूटी है? हाँ 8 घंटे की। 8 घंटे की ड्यूटी है। ये भाई हैं आए हैं कंपनी में आए हो, हाँ ठीक है? कंपनी में, कंपनी का नाम बता सकते हो? सहारा मेंटेनेंस हाँ, हमारे कंपनी। यहाँ सहारा मेंटेनेंस कंपनी हाँ है, जो हाँ बार बार मैं आप लोगों को वीडियो में बताते रहता हूँ ना, कि हमारे बगल में जो कंपनी है, वहाँ की ये वर्कर हैं ये सब, तो वो वही है कंपनी, सहारा मेंटेनेंस नाम से है। तो उसमें बहुत सारे लोग हैं काम करते हैं ऑलरेडी। अभी एक जो है नए भाई आए हैं। तो भाई, हमको ये बताइए कि आप इंडिया में जब थे तो जी पासपोर्ट आपने पासपोर्ट कब बनवाया? मिनिमम 16 में बनवाया था, 16 में। तो सोलह या पासपोर्ट अठारह आपका में। ECR है कि ECNR है, नहीं, NCR नहीं है। यानी हाई स्कूल का मार्कशीट नहीं लगा नहीं है? नहीं लगा हुआ है। तो आप कैसे आए सऊदी, आपका इमिग्रेशन कैसे हुआ? वो एक रिलेशन में एजेंट थे, उनके थ्रू ये काम हुआ, फिर यहाँ से दिल्ली के ऑफिस से आए यहाँ। तो आपका जो है इमिग्रेशन और टोटल वीज़ा का, इमिग्रेशन का और टिकट का, टोटल यहाँ तक का आने का कितना खर्च लगा लगभग? मिनिमम 130, 1,30,000 130,000। रुपये भाई का लगा है, और 1,400 रुपये सैलरी है, ठीक है? हाँ 1,30,000 आपका लगा, 1,400 रुपये सैलरी है। आप ओके कितने दिन में आप आए, कितने दिन का मतलब भी जब स्टार्ट किए तो आप जी। मेडिकल करवाए, उस समय PCC चल रहा था कि नहीं जब आप? PCC 4 दिन पहले ही शुरू हुआ था, पहले हमारा वीज़ा आ गया था और 4 दिन के बाद वो शुरू हुआ यानी था। वीजा आने के बाद, मतलब ये है कि आप मेडिकल करवाए होंगे, हाँ वीजा स्टम्प हो गया होगा, हाँ उसके तब बाद आपको पता चला हाँ इसका उसके मतलब बाद पता PCC, चला। यानी हाँ आपको PCC आपका नहीं करवाना हाँ पड़ा। हाँ जी। तो ये भाई साहब क्या हुआ कि नसीब इनका अच्छा था कि PCC नहीं करवाना पड़ा। हाँ तो आपका जो है कितना टाइम लगा, आपका इमिग्रेशन और सब कुछ होने में, यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा लगभग? मिनिमम 2 महीने लग गए थे, 2 मंथ्स। अच्छा, मेडिकल में कोई दिक्कत तो नहीं होती? नहीं मेडिकल नहीं पास हो गए थे। दोनों अच्छा, अलहमदुलिल्लाह। मेडिकल होने के बाद कितने दिन बाद वीजा लगा था आपका? एक मेडिकल पे तो निकल के गया था और दूसरा मेडिकल में एक 15 दिन के बाद वीजा स्टाम्प हो गया था। अच्छा, मेडिकल कराने के बाद हाँ 15 दिन बाद वीजा स्टम्प हो गया था। हाँ तो दोस्तों, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेडिकल के बाद कितने दिन में वीजा स्टम्प होता है, तो 15 दिन में भाई ने बताया कि वीजा स्टम्प होता है। तो आप यहाँ सऊदी आए, जब वहाँ एयरपोर्ट पे, जब कौन सी एयरपोर्ट पे उतरे? रियाद। हाँ रियाद एयरपोर्ट पे। तो वाया होकर के आए थे कि डायरेक्ट फ्लाइट थी? नहीं, यहाँ बहरीन में स्टॉप था, कितने देर का स्टॉप था? 4 घंटे का। तो कोई दिक्कत हुई थी? नहीं 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 अल्हम्दुलिल्लाह कोई तो दिक्कत नहीं थी। यहाँ आने के बाद एयरपोर्ट से कौन गया था रिसीव करने? कंपनी का ड्राइवर गया था अच्छा, कार लेके। हाँ तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम सऊदी आएंगे तो हमको रिसीव करने कौन आएगा, हम कहीं हमको कोई रिसीव करने ना आए तो हम कैसे, क्या है? तो कंपनी का जब वीजा लगता है, ठीक ठाक कंपनी, अगर ठीक ठाक एजेंट मिल जाता है, एक्चुअल जीनियन हर एक चीज़ रहता है, असली और मतलब कोई फेक काम नहीं रहता, तो कंपनी की गाड़ी जाती है रिसीव करने के लिए। बिल्कुल। तो कंपनी की गाड़ी रिसीव करके ले आई आपको कहाँ हाँ रखी? उधर ही जहाँ सारे बंदे रहते हैं, 18 नंबर पे। अच्छा, मतलब ये कंपनी पहले हमारे अंदर ही, जहाँ हम रहते हैं छावनी में, मलेटी कैंप में, वहाँ अंदर ही थी। अभी फिलहाल यहाँ से निकाल दिया है, बाहर कर दिया है, यहाँ रूम वूम सब तोड़वा दिया है, लेकिन कुछ अभी वर्कर यहाँ के, जो यहाँ जो काम करते हैं, कुछ वर्कर के लिए रूम दे रखा है, वहाँ पर रहते हैं। तो आपको 18 नंबर पर रखा, फिर यहाँ पर कब लाया, कितने दिन बाद? यहाँ पे जब ड्यूटी लगी हमारी,
तो यहाँ इसलिए लाया एक महीने के बाद में। अच्छा, जिस आपकी सैलरी कब से स्टार्ट हुई, आने के तुरंत बाद की कब से? नहीं, मेरी सैलरी तो अभी स्टार्ट हुई। आने के बाद फिर कहाँ खा रहे थे, कहाँ रह रहे थे? वो तो 200 रुपए कंपनी ने दे दिए थे हैंड टू हैंड। अच्छा, 200 रियाल दे दिए थे। बाकी पैसा की जब ही मिलेगा कंपनी में जब ड्यूटी ज्वाइन करोगे तो। तो ड्यूटी आने के कितने दिन बाद ड्यूटी ज्वाइन किए? एक महीने के बाद पूरे। तो दोस्तों, कंपनी में भी हाउस ड्राइवर में क्या होता है कि जैसे आप घर खाता में कोई आते हो, कोई भी काम से आते हो, तो जिस दिन एयरपोर्ट पे उतरते हो तुरंत सैलरी चालू हो जाती है, लेकिन कंपनी में जिस दिन काम स्टार्ट करते हो फिर सैलरी स्टार्ट होती है। किसी किसी कंपनी में एयरपोर्ट से भी सैलरी देता है, एयरपोर्ट से भी, और किसी में नियम होता है। तो कंपनी, वैसे मैं काफ़ी दिन से यहाँ पे हूँ सऊदी में, और जब से हूँ देख ही रहा हूँ, मेरे बहुत सारे लोग दोस्त यार इस कंपनी में काम कर रहे हैं, मेरे यहाँ के भी बहुत दो चार लोग काम कर बोले कि कंपनी ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है, सैलरी वगैरह नहीं फंसती। कोरोना काल में बहुत सारी कंपनियाँ जो है वर्करों की सैलरी रोक के रखी थी, नहीं दिया था क्योंकि कंपनी चल नहीं रही थी, लेकिन इस कंपनी ने सबको दिया। अच्छा, तो हमको ये बताइए, आपकी 1400 रुपये सैलरी है, ठीक है, ड्यूटी 8 घंटे की है, तो हमको ये बताइए, जैसे यहाँ पार्ट टाइम में कुछ इधर उधर काम कर सकते हो कंपनी के काम के बाद? हाँ, कर सकते हैं इंशाल्लाह, मगर काम आने के बाद। नहीं, जैसे अभी फिलहाल आप काम कर रहे हैं ना कोई? हाँ, मैं अभी तो नहीं कर रहा है फिलहाल कोई, मगर कर सकते हैं अगर चाहे तो बंदा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होती कंपनी? हाँ, उस पर कोई मतलब वो नहीं करती कि आप नहीं करो या? अच्छा देखो दोस्तों, जब आप किसी कफिल के यहाँ आते हो, हाउस ड्राइवर में आते हो, तो आप बन जाते हो, लेकिन मैं बार बार वीडियो में बताता हूँ कि अगर आप किसी कंपनी में आते हो तो कंपनी अपने वही 8 घंटे से मतलब रखती है, आपका एकामा बन गया, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग को हमने देखा यहाँ गाड़ियाँ धोते हैं, दिन भर 10-20-50 कमा लेते हैं, तो कंपनी में फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि आप 1400 कमा रहे हो तो। अच्छा, ये हमको बताइए, जैसे आप पार्ट टाइम में कोई जॉब या कोई काम करते हो, तो आप मतलब कुछ बचा सकते हो कि नहीं बचा सकते हो? बिल्कुल, अगर इंशाल्लाह नसीब अच्छा रहा तो 1000 सैलरी भी मिल जाती है, 1500 भी मिल जाती है पास टाइम में, और क्या बोलते हैं, नहीं तो कंपनी की डबल ड्यूटी है तो उसमें भी मिल जाएगी। अच्छा कंपनी, अच्छा जब से आप आए मान लीजिए 2 महीने हो गया, कभी कंपनी ने ओवर टाइम के लिए बोला? नहीं, अभी हमारे में तो हम पहले ही इस बात को एजेंट ने बता दिया था, बोले ओवर टाइम नहीं है, पर बाद में अभी हो सकता है शायद हो जाए इंशाल्लाह। तो दोस्तों, ये भाई हमारे हैं मुरादाबाद से, है कंपनी में काम करते हैं, कंपनी सहारा कंपनी है, अच्छी कंपनी है, हम तो हमारे बगल में ही काफ़ी दिन हम गुजारे हैं, कंपनी के बहुत सारे लोग रहते थे उसमें, तो ये भाई नए आए हैं तो सोचा आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दूं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो और जानकारी हमारी कैसी लगी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जिसको कोई भी कुछ भी सवाल पूछना रहे आप कमेंट बॉक्स में आप अपना जो भी क्वेरी रहे बताया करिए, हम हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। तो हमारे चैनल में आप चैनल के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, का चैनल आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन शेयर भी करो दोस्तों। हाँ, शेयर भी करो। तो यही छोटी सी इंटरव्यू था, सोचा कंपनी का ले लो। बहुत सारे लोग एक चीज़ की क्वेरी की डिमांड कर रहे हैं कि किसी जेसीबी वाले का या किसी बड़े गाड़ी का ड्राइवर का इंटरव्यू लो। तो दोस्तों, क्या है कि हम हाउस ड्राइवर हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, अभी ऐसे किसी शख्स से मुलाकात नहीं हुई। तो यहाँ पे क्या होता है, पता नहीं क्यों लोग इंटरव्यू देने के लिए मतलब राजी नहीं होते, पता नहीं क्या डर, जबकि इससे कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे आदमी का आत्मबल विश्वास बढ़ता है कि हाँ हम सऊदी में जाएंगे, कैसे रहेंगे। हमारे चैनल का सिर्फ, हमारे इंटरव्यू का सिर्फ यही मकसद है कि लोगों को बताना कि हम वहाँ जाएंगे तो कैसे रहेंगे। अच्छा, आप हमें लगता है कि कंपनी का जो हमने इंटरव्यू लिया भाई साहब का, इससे आप लोगों को बहुत ही हेल्प मिला होगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए भाई टेक केयर।